नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत करता हूँ सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके की क्लास नंबर 33 आपके लिए लेकर आया हूँ। टॉपिक है आज का हमारा राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपके ये वाला जो राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र वाला जो टॉपिक दे रखा है सिलेबस में, इस टॉपिक को कहीं और से पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। साथियों, बिल्कुल पूरी डिटेल से पढ़ाऊँगा, प्रत्येक उस अनुसंधान केंद्र के बारे में चर्चा करेंगे जो आपसे एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकता है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। इसके पहले भी मैंने जो 32 क्लासें राजस्थान जीके की डाली है तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चैनल पे जाके पिछले सारी वीडियो को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हो। राजस्थान जीके भूगोल इस नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आसानी से आपको चैनल पर जाकर के आप देखोगे प्लेलिस्ट में तो वहाँ पर मिल जाएगी। साथियों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। रीट मेंस एग्ज़ाम लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बेहद ही उपयोगी क्लास है। साथियों, एक प्रश्न 100% यहाँ से पूछा जाएगा, तो इस छोटे से वीडियो से अपना एक प्रश्न बिल्कुल क्लियर कर सकते हो आप। बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को, देखेंगे राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों के बारे में। तो किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछा जा सकता है, एक तो कि भाई कोई भी अनुसंधान केंद्र का नाम दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? नाम दे दिया जाएगा कि भाई जैसे हम यहाँ मैंने पहला लिखा है केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र, अब इसका नाम दे दिया कि प्रश्न पूछ लिया कि भाई ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो नाम दे दिया और पूछेगा कहाँ पर स्थित है। तो आपको पहली चीज तो कि भाई ये अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है, तो भाई जैसे ये अविकानगर टोंक जिले में स्थित है, तो एक प्रश्न मतलब प्रश्न पूछने का पहला तरीका तो ऐसे हो जाएगा इस टॉपिक में से। दूसरा जो तरीका रहेगा प्रश्न पूछने का कि केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई, क्या स्थापना कब की गई या गठन कब किया गया इसका, ऐसे करके आपसे प्रश्न पूछेगा तो आपका आंसर कि भाई जैसे केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई, तो आंसर क्या है 1962 में। तो दो ही तरीके से आपसे प्रश्न पूछेंगे, या तो सन पूछेगा कि भाई कब इसकी स्थापना हुई, या फिर कहाँ पर ये स्थित है, इस प्रकार से ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो निश्चित रूप से मैंने हर वो चीज़ लिखी है जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा साथियों, ठीक है। तो चलिए देखेंगे यहाँ पर पहला जो हम अनुसंधान केंद्र देख रहे हैं वो कौन सा है, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र। कौन सा? केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र। साथियों, ये आपके टोंक जिले में स्थित है। टोंक जिले में एक स्थान आता है अविकानगर। कौन सा स्थान आता है? अविकानगर नाम से एक स्थान आता है, या ये टोंक जिले में पड़ता है अविकानगर। तो यहीं पर साथियों केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र स्थित है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1962 में की गई थी। कब की गई थी? 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। साथियों, मैं आपको बता दूँ कि शब्दों को आप जैसे आपको ये तो पता चल जाएगा कि केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में है, लेकिन सन को याद रखने में बड़ी मुश्किल आएगी आपको, बड़ी मुश्किल आएगी साथियों। तो इस चीज़ के लिए आपको कैसे याद रखना है कि जैसे जन्म तिथियां हैं, या आप ऐसे याद रख सकते हो कि केंद्र में एक भेड़ के ऊपर अनुसंधान किया था, केंद्र में एक भेड़ के ऊपर अनुसंधान किया था, उस भेड़ को लाए थे अविकानगर टोंक में, और कब किया था? 1962 में। तो मतलब इस प्रकार से अगर बनाकर किसी चीज़ को वाक्य में बना करके याद रखोगे, और बार बार उस चीज़ को एक बार लिख लो आप इसको, जैसा आप नोट्स में लिख ही रहे हो वहीं यूँ लिख लो कि भाई केंद्र में एक भेड़ को अनुसंधान केंद्र अनुसंधान में करने के लिए 1962 में अविकानगर टोंक में लेकर आए, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो। दूसरा देखेंगे साथियों, अच्छा एक चीज़ और, अगर प्रश्न पूछा केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, अविकानगर भी विकल्प में है और टोंक भी विकल्प में है, तो कौन सा सही करोगे? तो भाई आपका पहली चॉइस रहेगी अविकानगर। अगर अविकानगर नहीं है तो फिर टोंक आपका सही उत्तर रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा देखेंगे साथियों, दूसरा प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन सा है आपके, तो आपके दूसरा जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र है वो है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र। कौन सा? केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र। साथियों, ये भी आपके अविकानगर टोंक में ही स्थित है। देखो दोनों ही, ये भी आपके अविकानगर टोंक में, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र और बकरी केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र भी आपके अविकानगर टोंक में ही स्थित है। साथियों, 1951 में इसकी स्थापना की गई थी,
तो याद कैसे रखोगे कि भेड़ को तो अविकानगर टोक में कब लाए थे, 1962 में, ठीक है, केंद्र केंद्र से लाए थे, केंद्र से भेड़ को अविकानगर टोक में लाए थे 1962 में, लेकिन बकरी को पहले ला दिया था इन्होंने, अविकानगर टोक में ही बकरी को केंद्र से 1951 में ही लेकर आ गए, 1951 और उसके 51-61 11 साल बाद भेड़ को लेकर आए। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए तीसरा अनुसंधान केंद्र देखेंगे, यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, अगर प्रश्न पूछे कि भाई अविकानगर में है या टोक में है, तो राइट आंसर रहेगा अविकानगर, ठीक है। आप अविकानगर को सही करोगे, अगर अविकानगर नहीं है तो फिर टोक को सही करोगे। और कब इसकी स्थापना की गई, 1951 में की गई साथियों। तीसरा अनुसंधान केंद्र देखते हैं, तो तीसरा जो अनुसंधान केंद्र है आपके अरबी फारसी शोध संस्थान, कौन सा, अरबी फारसी शोध संस्थान। साथियों ये भी आपके टोंक जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है, टोंक जिले में। टोंक जिले में अभी हमने तीन चीजें देखी, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, ये 1951 में लाए थे बकरी को, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र, भेड़ को, सॉरी 1951 में ना, भेड़ को लाए थे 1962 में। अब अरबी फारसी, वो बकरी और भेड़ क्या बोलते हैं साथियों, अरबी फारसी बोलती है बकरी भी और भेड़ भी, जो केंद्र से लाए थे ना, वो केंद्र में विदेश से लाए थे, और वो क्या अरबी, अरब देश की थी तो अरबी फारसी बोलती थी, और 1978 में लाए थे, कब लाए थे, 1978 में। तो अरबी फारसी शोध संस्थान आपके किस जिले में स्थित है, टोंक जिले में स्थित है, और कब इसकी स्थापना की गई, 1978 में इसकी स्थापना की गई साथियों। आगे बढ़ते हैं, चौथा देखेंगे, चौथा अनुसंधान केंद्र कौन सा है, देखो चौथा अनुसंधान केंद्र है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, कौन सा, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। साथियों इसकी स्थापना 1993 में की गई, और ये आपके भरतपुर में स्थित है, भरतपुर में एक स्थान पड़ता है सेवर, कौन सा, सेवर। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, प्रश्न आया था राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो सबसे पहला जो विकल्प था वो तो भरतपुर था, कौन सा था, भरतपुर, और चौथा जो विकल्प था वो था आपके सेवर। तो भाई भरतपुर में भी एक जगह है सेवर, वहाँ पर ये स्थित है, तो बहुत से लोगों ने जल्दबाजी करके भरतपुर पे सही कर दिया, भाई भरतपुर इसका आंसर है, चौथे विकल्प पे तो वो गए ही नहीं, जबकि चौथा विकल्प क्या था, सेवर, और एग्जामिनर ने किसको सही माना साथियों, सेवर को सही माना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई विशेष स्थान का नाम आता है उसके लिए तो स्थान को जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी। आप सभी को पता है कि भाई भरतपुर आपके राजस्थान में साथियों पूर्व दिशा की तरफ स्थित है। अब वहाँ पर सरसों ज़्यादा होती है, कौन सी फसल ज़्यादा होती है, सरसों ज़्यादा होती है, तो सरसों के ऊपर अनुसंधान भी भरतपुर में ही किया जाता है। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भी भरतपुर सेवर में स्थित है, 1993 में इसकी स्थापना की गई थी साथियों। पाँचवा अनुसंधान केंद्र देखेंगे, आपके पाँचवा अनुसंधान केंद्र कौन सा है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, जिसको हम काजरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, काजरी भी इसको कहा जाता है, काजरी। देखो एक चीज याद रखना है आपको, शुष्क का मतलब होता है सूखा, क्या होता है शुष्क का मतलब, सूखा। तो प्रश्न ऐसे बन सकता है, केंद्रीय सूखा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, आपका आंसर क्या रहेगा कि भाई ये जोधपुर में स्थित है, और 1959 में इसकी स्थापना की गई थी मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, किसको, मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी। केंद्रीय का मतलब सी से मतलब सेंट्रल, काजरी, और एक आपरी भी आएगा आपके, एक आपरी भी आएगा, ये भी आपके छठे नंबर पे मैंने लिख रखा है साथियों। तो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जिसको हम कहते हैं काजरी, इसकी स्थापना 1959 में जोधपुर में की गई, कहाँ पर की गई, जोधपुर में, किस लिए की गई थी, मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए। नेक्स्ट छठा देखेंगे, तो छठा जो अनुसंधान संस्थान है वो है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जिसको हम कहेंगे आपरी। अभी हमने क्या देखा था, काजरी, और अब हम देख रहे हैं आपरी। आपरी काजरी दोनों ही जोधपुर में स्थित है, काजरी की स्थापना तो 1959 में कर दी थी, देखा था ना अभी हमने, भाई काजरी की स्थापना कब कर दी गई थी, 1959 में कर दी गई थी साथियों। ये देखिए दोनों को एक साथ देख लीजिए, काजरी की स्थापना 1959 में, आपरी की स्थापना 1985 में। काजरी भी जोधपुर में है और आपरी भी जोधपुर में है। ये शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है, ये केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, दोनों जोधपुर में स्थित है,
विशेष तौर पे पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं जी साथियों। तो सन भी याद रखिए और कहाँ पर स्थित है ये भी याद रखिएगा। चलिए सातवां अनुसंधान केंद्र देखेंगे, तो आपके सातवां अनुसंधान केंद्र है सुदूर संवेदन केंद्र। साथियों ये भी आपके जोधपुर ज़िले में स्थित है। भाई मैं जिले वाइज पढ़ा रहा हूँ, एक ज़िले में जो जो इम्पोर्टेंट अनुसंधान है उन सभी को लेकर चल रहा हूँ मैं। तो सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ पर स्थित है आपके जोधपुर में, और इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। भाई देखो 1996 में जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है 1996, तो दूर देश से आए थे 1996 में, ऐसे याद रख सकते हो, कहाँ से जोधपुर से साथियों। सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना 1996 में जोधपुर में की गई थी। आठवां अनुसंधान केंद्र है आपके केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। कौन सा है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। इसकी स्थापना भी जोधपुर में ही की गई। कब की गई? 1987 में। कब की गई साथियों? 1987 में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई आपके जोधपुर में। जोधपुर जो सूर्य नगरी है राजस्थान की, कब की गई? 1987 में की गई साथियों, ठीक है। तो 1987 याद रखना है और जोधपुर याद रखना है। क्या? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। किस में याद रखना है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड में आपको ये याद रखना है साथियों। चलिए नौवें अनुसंधान केंद्र की ओर बढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और निश्चित रूप से जो यहाँ से रेगुलर आप तैयारी कर रहे हो तो रेगुलर आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, और रेगुलर राजस्थान जीके की जो क्लासें हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे नौवें अनुसंधान केंद्र की तरफ। नौवां जो अनुसंधान केंद्र है वो है राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र। कौन सा? राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र जो है साथियों आपके अजमेर ज़िले में। अजमेर ज़िले में भी एक स्थान आता है तबीजी। भाई याद कैसे रखोगे, याद कैसे रखोगे इस चीज़ को? बीज आ रहा है ना, बीच में क्या आ रहा है? बीज आ रहा है, तो बीज से तबीजी, बीज से तबीजी, बीज से तबीजी, कहाँ? अजमेर में। तो ये आपके सन 2000 में स्थापित किया गया था। कौन सा? राष्ट्रीय मसाला वही जो सब्जी में डालते हैं अपन, सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में जो डालते हैं ना मसाला, ये कहाँ से आता है? अजमेर से आता है, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना तबीजी अजमेर में की गई 2000 में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों, दसवां अनुसंधान केंद्र देखेंगे। तो आपके दसवां जो अनुसंधान केंद्र है वो है राष्ट्रीय राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। कौन सा? राष्ट्रीय राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। साथियों ये भी आपके अजमेर ज़िले में स्थित है, और इसकी स्थापना की गई 1995 में। एक एक को लिख सकते हो आप, एक एक को लिख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई नहीं पढ़ा रहा होगा आपको, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से मैंने सेट करके यहाँ पर आपके सामने लाया हूँ। तो 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? राष्ट्रीय राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की। कहाँ पर है? अजमेर ज़िले में स्थित है, और कब स्थापित किया गया? 1995 में। आगे बढ़ेंगे, 11वें नंबर पे है आपके बाजरा अनुसंधान केंद्र। साथियों बाजरा अनुसंधान केंद्र में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कहाँ पर है, तो ये आपके बाड़मेर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? बाड़मेर ज़िले में स्थित है बाजरा अनुसंधान केंद्र। देखो एक चीज़ है, बाजरा आपके मरुस्थल में ज़्यादा होता है, ठीक है। बाजरा कहाँ पर ज़्यादा पैदावार इसकी होती है? मरुस्थल में। मरुस्थल में भी कौन से ज़िले में? बाड़मेर ज़िले में, आपको ऐसा याद रखना है, ठीक है। तो बाजरा अनुसंधान केंद्र भी कहाँ स्थापित कर दिया गया? बाड़मेर ज़िले में स्थापित कर दिया गया, तो इसे आप याद रख सकते हो साथियों। 12वां अनुसंधान केंद्र देख लेते हैं। देखो 12वां अनुसंधान केंद्र कौन सा है आपका साथियों? 12वां अनुसंधान केंद्र है कपास अनुसंधान केंद्र। कौन सा? कपास अनुसंधान केंद्र, जो कि श्रीगंगानगर ज़िले में स्थित है। श्रीगंगानगर ज़िला, ये देखिएगा, ये आपके श्रीगंगानगर ज़िला है राजस्थान के उत्तर दिशा में। इसमें है साथियों कपास अनुसंधान केंद्र। कौन सा केंद्र? कपास अनुसंधान केंद्र आपके श्रीगंगानगर ज़िले में स्थित है। 13वां अनुसंधान देखें तो 13वां है केंद्रीय पशुधन फार्म। केंद्रीय पशुधन फार्म, दो बार टाइप हो गया ये, तो केंद्रीय पशुधन फार्म कहाँ पर है? सूरतगढ़ श्रीगंगानगर ज़िले में। भाई श्रीगंगानगर ज़िले में, सूरतगढ़ कहाँ पर पड़ता है? श्रीगंगानगर में ही पड़ता है। सूरतगढ़ के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो इसकी स्थापना की गई साथियों 1956 में। कब की गई? 1956 में केंद्रीय पशुधन फार्म की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में। कहाँ पर की गई थी? सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में
केंद्रीय पशुधन फार्म की स्थापना 1956 में की गई थी। साथियों एक एक को लिख लेना है, लिख लेना है, लिखोगे तो ही मतलब निकलेगा, ये तो मजा नहीं आता है फिर चीजों का। चलिए 14वें नंबर पे देखते हैं। 14वें नंबर पे आता है आपके चारा बीज उत्पादन फार्म। क्या आता है? चारा बीज उत्पादन फार्म। साथियों ये आपके मोहनगढ़ जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर? मोहनगढ़ जैसलमेर में स्थित है। हमने ऊपर देखा था तबीजी अजमेर, जो मसाला और बीज था उसमें, और यहाँ चारा और बीज है। मसाला बीज तो तबीजी अजमेर में और चारा बीज मोहनगढ़ जैसलमेर में है साथियों। जबकि खजूर अनुसंधान केंद्र आपके बीकानेर जिले में स्थित है, और इसकी स्थापना किसकी? खजूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1985 में की गई थी। कब की गई थी मित्रों? 1985 में खजूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? बीकानेर जिले में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? आपको याद रखना है कि बीकानेर जिले में सर्वाधिक खजूर होते हैं। कौन से जिले में होते हैं? सर्वाधिक खजूर बीकानेर जिले में होते हैं, और 1985 से होने लगे। क्यों होने लगे? क्योंकि वहाँ पर 1985 में खजूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना कर दी गई थी। कहाँ पर? बीकानेर जिले में। साथियों क्लियर है सभी के? 15 अनुसंधान केंद्र अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ों में डाउट हो, हालांकि यहाँ पर कोई डाउट वाली बात होगी नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण करके मैं आपके सामने चीज़ें लाता हूँ। साथियों 16वें नंबर पर देखेंगे तो 16वें नंबर पर जो अनुसंधान केंद्र आपके आता है वो कौन सा है? राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र। कौन सा? राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र। साथियों ये भी आपके बीकानेर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये भी बीकानेर जिले में ही स्थित है, और 1989-90 में इसकी स्थापना की गई। किसकी? राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान संस्थान, संस्थान नहीं केंद्र, राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1989-90 में की गई साथियों, और कहाँ पर की गई? बीकानेर में की गई। और राष्ट्रीय यहाँ पर हमने कौन सा देखा था? खजूर अनुसंधान केंद्र, ये भी कहाँ है? बीकानेर में 1985 में, और चारा बीज उत्पादन फॉर्म जो फार्म है ये मोहनगढ़ जैसलमेर में है। क्लियर है सभी के यहाँ तक? 16 अब तक कितने अनुसंधान केंद्र पढ़ लिए? 16। तो राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, 1989-90 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़े 17वां अनुसंधान केंद्र देख लेते हैं। 17वां अनुसंधान केंद्र है बेर अनुसंधान केंद्र। कौन सा? बेर अनुसंधान केंद्र, ये भी आपके बीकानेर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? बीकानेर जिले में। आप देख रहे होंगे जोधपुर में, बीकानेर में, इनमें ज़्यादा है साथियों, ठीक है। बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर जिले में स्थित है। भाई बेर होते हैं ना, खाने के जो बेर होते हैं साथियों, खाने में हम इसका यूज करते हैं। कई तो बड़े बड़े बेर भी होते हैं, सेवपल से थोड़े बहुत छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े बेर होते हैं। गांव में जो बेर लगते हैं वो तो छोटे लगते हैं, लेकिन बीकानेर में अनुसंधान केंद्र है तो यहाँ बड़े बड़े बेर लगते हैं। तो बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है मित्रों? बीकानेर में स्थित है। 18वां अनुसंधान केंद्र देख लेते हैं। आपके 18वां अनुसंधान केंद्र है राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र। कौन सा? राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र, और ये भी आपके बीकानेर में स्थित है। तो बेर बीकानेर में है, घोड़े भी ज़्यादातर बीकानेर में है, ऐसे याद रख सकते हो। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र ये भी बीकानेर जिले में स्थित है, और 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी 1986 में? राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र। 86 में तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आई थी ना, NEP 1986। तो साथियों तभी राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र भी स्थापित कर दिया गया था। कहाँ पर? बीकानेर जिले में। कब किया गया था? 1986 में स्थापित किया गया था राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र। 19वें नंबर पे देखें तो 19वें नंबर पे है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। घोड़ा भी बीकानेर में, और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र ये जोहरबीड़ कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है साथियों। कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है, और 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की। तो ऊंट की तो 1984 में कर दी, और घोड़ों की कब की गई थी? 1986 में की गई थी साथियों। दोनों कहाँ? बीकानेर में, लेकिन ऊंट वाला जो है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र ये आपके बीकानेर में भी कहाँ पर स्थित है? जोहरबीड़ में। जोहरबीड़ स्थान कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। तो इसकी स्थापना 1984 में की गई। कहाँ की गई? जोहरबीड़ बीकानेर में की गई राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र साथियों। 20वें नंबर पे देखें तो 20वें नंबर पे आता है आपके
केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, कौन सा संस्थान? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान साथियों, इसकी स्थापना किसकी? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना बीकानेर में की गई। कहाँ पर की गई? ये भी आपके बीकानेर जिले में ही स्थित है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, बीकानेर जिले में बहुत ही ज़्यादा अनुसंधान केंद्र है। देखो, अगर आपको कोई अनुसंधान केंद्र याद नहीं रहे पेपर में, और विकल्प में बीकानेर दे रखा है और जोधपुर दे रखा है, दोनों में से एक को सही कर देना, बहुत ही ज़्यादा चांसेज हो जाएंगे आपके क्वेश्चन सही होने के। लेकिन साथियों, ये तो माइनस मार्किंग वाला एग्ज़ाम है, तो इसमें तो रिस्क लेना भी बहुत ही बड़ी बात होती है। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ये कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। चलिए, 21वां जो आपके अनुसंधान संस्थान है, अनुसंधान केंद्र है, उसको देख लेते हैं। 21वें नंबर पे आता है आपके सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र। कौन सा? सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र, जिसकी स्थापना 2007 में की गई थी। कब की गई थी? कहाँ की गई थी? सॉरी, बीकानेर में ही की गई थी। देखो, अभी तक बीकानेर के पूरे होने में नहीं आ रहे। तो देखो, सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र, ये भी आपके बीकानेर में ही स्थित है, और इसकी स्थापना की गई थी 2007 में। कब की गई थी? 2007 में की गई थी। साथियों, क्लियर है सभी के ये भी? चलिए 22वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। 22वें नंबर पे कौन सा अनुसंधान केंद्र है आपका? देखो, आपके 22वें नंबर का जो अनुसंधान केंद्र है, वो है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान। कौन सा? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कि दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है। साथियों, भाई दुर्गापुरा कहाँ पड़ता है? जयपुर में। 1943 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। किसकी? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1943 में ही कर दी गई थी। साथियों, आगे बढ़ेंगे 23वें नंबर की ओर। दुर्गापुरा जयपुर में ये स्थित है। तो 23वें नंबर पे जो अनुसंधान संस्थान आता है, वो है आपके राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान। कौन सा? राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान, ये भी आपके जयपुर में ही स्थित है, और 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? आयुर्वेदिक शोध संस्थान, जो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक शोध संस्थान है, ये जयपुर में स्थित है, और 1976 में। कब? 1976 में राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? जयपुर में की गई। साथियों, तो ये आपके 23 नंबर का अनुसंधान संस्थान हमने पढ़ लिया है। आगे 24वें नंबर पे देखें तो 24वें नंबर पे आता है आपके भेड़ एवं ऊन। कौन सा? भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान। तो भाई, भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान 1962 में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? जयपुर में स्थापित किया गया था। तो देखिएगा, भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जयपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? जयपुर में की गई थी। कब की गई थी? 1962 में की गई थी। साथियों, कब की गई थी? 1962 में। क्लियर है सभी के ये भी? चलिए आगे बढ़ेंगे 25वें नंबर की ओर। 25वें नंबर पे आता है आपके राजकीय शुकर फार्म। कौन सा? राजकीय शुकर फार्म, ये आपके अलवर जिले में है। कहाँ पर है? अलवर जिले में स्थित है साथियों राजकीय शुकर फार्म, और इसकी जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1983 में की गई थी। राजकीय शुकर फार्म की स्थापना 1983 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। तो भाई, अलवर जिले में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? अलवर में की गई थी। तो क्वेश्चन पूछा कि राजकीय शुगर फार्म की स्थापना कहाँ की गई थी? अलवर में। कब की गई थी? 1983 में। तो सभी के क्लियर है एक एक बात, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। साथियों, यदि वास्तव में आप थर्ड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो निश्चित रूप से इस चैनल को आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा, आपकी सोच से भी ज़्यादा। साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे 26वें अनुसंधान संस्थान की तरफ। देखो, 26वें नंबर पे आता है राजस्थान राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। कौन सा आता है? राजस्थान राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। साथियों, कहाँ पर स्थित है ये? उदयपुर में स्थित है, और इसकी स्थापना किसकी? राजस्थान राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1978 में की गई थी। कब की गई थी भाई? 1978 में की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके बन जाता है, क्योंकि इसका संबंध शिक्षा विभाग से है। तो राजस्थान राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
उदयपुर जिले में स्थित है और स्थापना की गई थी भाई इसकी 1978 में। कब की गई थी? 1978 में की गई थी। मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से याद करना है। एक तो वो अविकानगर टोक वाले और एक काजरी आपरी और एक वो सेवर भरतपुर वाला और साथ ही वो तबीजी अजमेर वाला और एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत ही ज़्यादा चांस है, ये बहुत ही ज़्यादा, तो इनको मोस्टली बिल्कुल 5 स्टार कर लेना। इन चीज़ों को आप जो नोट्स बना रहे हो ना उनमें बिल्कुल 5 स्टार इनको कर सकते हो। तो चलिए 27वें नंबर पे जो अनुसंधान संस्थान आता है आपके वो है सौर वेधशाला। कौन सा आता है? सौर वेधशाला। तो सौर वेध जो शाला है, सौर वेधशाला साथियों, ये भी आपके उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सौर वेधशाला भी आपके उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर जिला वही झीलों की नगरी जो है आपके साथियों। 1976 में सौर वेधशाला की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1976 में सौर वेधशाला की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? उदयपुर में की गई थी। और ऊपर हमने क्या देखा था? राजस्थान राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये भी कहाँ पर है? उदयपुर में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1978 में। सौर वेधशाला की स्थापना भी उदयपुर में की गई और कब की गई? 76 में। मतलब 76, 2 साल बाद ये प्रशिक्षण संस्थान आया था। कौन सा? राजस्थान राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर 1978 में आए और सौर वेधशाला उदयपुर कब आई? 1976 में। कब आई साथियों? 1976 में इसकी स्थापना की गई। चलिए 28वें नंबर पे देखते हैं। तो 28वें नंबर पे आता है आपके राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र। कौन सा आता है? राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र। और साथियों इसकी जो स्थापना की गई राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र की, इसकी स्थापना वल्लभ नगर उदयपुर में की गई। कहाँ पर की गई? वल्लभ नगर उदयपुर में की गई। और कब की गई? 1985 में। कब की गई साथियों? 1985 में की गई। एग्जामिनर प्रश्न डायरेक्टली पूछ सकता है कि भाई जो राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है? वल्लभ नगर भी विकल्प में है, उदयपुर भी विकल्प में है, तो किसको सही करोगे? वल्लभ नगर को सही करोगे साथियों। उदयपुर अगर वल्लभ नगर विकल्प में नहीं है तो फिर आपको उदयपुर को सही करना है। और कब स्थापित किया गया? तो 1985 में स्थापित किया गया राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र। चलिए 29वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। 29वें नंबर पे जो आपके अनुसंधान संस्थान आता है वह है भारतीय मानव सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र। कौन सा? भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र उदयपुर में ये स्थापित है और 1975 में ही इसकी स्थापना की गई। तो याद रखिएगा, भारतीय मानव विज्ञान, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र बहुत ही बड़ा नाम है। तो इतना बड़ा नाम, मानव भी आ रहा है, विज्ञान भी आ रहा है, मानव विज्ञान आ रहा है, तो ऐसा हमने कहीं पढ़ा नहीं है। तो मानव विज्ञान की पढ़ाई कहाँ पर होती है? भाई उदयपुर में होती है। कब से शुरू हुई? 1975 से शुरू हुई साथियों, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र उदयपुर में है और कब इसकी स्थापना हुई? 1975 में इसकी स्थापना की गई। तीसवें नंबर पे जो आता है आपके वो है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान। क्या नाम है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान। इसकी स्थापना 1953 में की गई। कब की गई? 1953 में। कहाँ पर की गई? पिलानी झुंझुनू में। भाई झुंझुनू में एक स्थान आता है पिलानी। कौन सा स्थान आता है? पिलानी नामक एक स्थान आता है, यहीं पर साथियों केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थित है। देखो प्रश्न पूछा कि भाई केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, और विकल्प में पिलानी भी है और विकल्प में झुंझुनू भी है, तो भाई किसको सही करोगे? बता रखा आपको, तो आपका आंसर क्या रहेगा साथियों? पिलानी रहेगा। पिलानी विकल्प में नहीं है तो फिर आप झुंझुनू की तरफ जाओगे। 1953 में इसकी स्थापना की गई। चलिए 31वें नंबर के अनुसंधान केंद्र को देखते हैं। 31वें नंबर पे आता है आपके राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो। साथियों ये भी आपके उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये भी उदयपुर में स्थित है और इसकी जो स्थापना है राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो की स्थापना 1958 में की गई। कब की गई? 1958 में की गई राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो। साथियों कहाँ पर है? उदयपुर में। स्थापना कब की गई? 1958 में की गई। तो क्लियर है सभी के? ये आपके जो प्रमुख प्रमुख अनुसंधान केंद्र थे जिनकी तिथियां जरूरी थी, सन जरूरी थे, वो मैंने बताए हैं सभी चीज़ों के बारे में। जहाँ ये आपने वीडियो देख लिया ना,
भाई हमको सिर्फ नौकरी लगना है, ज्यादा यूनिक भाई उस अनुसंधान संस्थान के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैंने क्या कहा, दो ही तरीके से प्रश्न बनेंगे, कौन कौन से कि कौन सा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई, तो यहीं से प्रश्न आपके बनेगा और वो हर चीज़ मैंने आपको बताई है साथियों। तो वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम 5 जगह वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए साथियों।